अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस टाइम जो है वो दिन के 11 बज रहे हैं और मैं छत पे आई थी। आज मौसम काफ़ी अच्छा था और बारिश का मौसम था और अच्छी खासी बारिश आ भी चुकी थी। और मैं जो हूँ ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, नीचे बैठ बैठ के थोड़ी सी तंग हो गई थी, तो मैंने कहा छत पर चलती हूँ और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ और थोड़ा सा मौसम को भी इंजॉय कर लेती हूँ, फिर नीचे आ जाऊँगी। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं अब नीचे आ गई हूँ, तो मैंने कहा शिकंजी बना लूँ, थोड़ी सी शिकंजी शंजी पी लूँ, क्योंकि आजकल जो है वो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। इसकी वजह से थोड़े से मैंने जो है वो वीडियो भी काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपलोड की है। तो एक तो नेट की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, दूसरे तो कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ जो है वो घर के कामों में मसरूफ थी। आज मैं जो हूँ अभी किचन की सफाई करने लगी हूँ, तो मैंने कहा पहले शिकंजी वगैरह पी लूँ, उसके बाद फिर मैं साफ़ करती हूँ किचन को। तो शिकंजी बस मैंने अपने लिए बनाई और बच्चों के लिए बना ली थी साथ। मैंने कहा अब एक दफ़ा ही उनको भी पिला दूँ, उनको भी पी लूँ, क्योंकि छोटे वाला तो नहीं पीता लेकिन बड़े वाला जो है उसको पसंद है, वो पीते रहते हैं मेरे साथ जब भी मैं बनाऊँ। तो अभी मैंने जो है वो बना लिया, उनको भी देती हूँ, खुद भी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ आ जाऊँगी। तो अभी मैंने जो है ये रैक वगैरह सेट किया था, यहाँ पे नमक मिर्चों वाला मसाले के जो डब्बे होते हैं उनको मैंने वॉश करना था, तो मैंने कहा इसको भी ऊपर लगा दूँगा। बाकी जो मसाले थे उनको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया था, मैंने कहा तब तक उनको भी हवा वगैरह लग जाए। तो अभी मैंने ये दराज वगैरह साफ़ करने थे साथ साथ, तो दराजों के लिए पहले अंदर से डब्बे वगैरह सारे निकाले, उनको पहले धोया, धोने के बाद फिर उनको मैंने खुश किया, फिर मैं जो जो सामान था उसमें डाला। तो सारी बात इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बना भी नहीं सकती और आपको पता है फिर अगले बंदे के लिए देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अच्छी वीडियो बनाओ, थोड़ी सी बना दो। तो अभी जो हूँ मैं सास अम्मी की तरफ आ गई थी, क्योंकि आज उन्होंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप आ जाओ, सालन वगैरह दिन का आप बना लो। वैसे तो हम लोग सब इकट्ठे ही होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन वीडियो ज़्यादातर मैं उस घर की नहीं बनाती। बस आपको पता है अपनी अपनी क्या कहते हैं चॉइस होती है, मर्ज़ी होती है, या अब मेरी वीडियो बनाने की मेरी ख्वाहिश है ना कि उनकी है, तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कैमरा उठाऊँ हर टाइम उधर घूमती फिरती हूँ। तो अभी मैं जो हूँ सारे बना रही थी, तो शिमला मिर्चें मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलें आपसे भी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह हम लोग अफराद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कोई लोग जो हैं वो वीडियो में इस तरह आ भी जाते हैं, तो फिर आपको पता है थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है और मैं ज़बरदस्ती किसी को यहाँ पे लाना नहीं चाहती। तो अच्छा छोड़ें सारी बातें साइड पे रखते हैं, अच्छा मैं बनाने लगी हूँ अभी शिमला। तो शिमला मैंने काट ली है, अभी टमाटर वगैरह मैंने काटे हैं, अभी मसाला उसका रेडी कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये बनाना है, और हल्की हल्की बारिश भी जो है वो शुरू हो गई थी, आज मौसम काफ़ी 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 अच्छा हो गया था। तो अभी जो हूँ मैं सालन वगैरह बना के फिर बच्चों को खिलाना है, सालन रोटी वगैरह, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट करना है, क्योंकि अच्छी खासी मैं थक चुकी थी आज, काम कर 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 करके बुरा हाल हो गया था मेरा। तो ये है कि काम तो खुद आपने ही करने हैं, वैसे भी काम वाली मासियाँ तो हमारे घर में टिक नहीं सकती, तो हमने खुद ही जो है मासियों वाला रोल अदा करना होता है। तो ज़री बात है लड़कियों के काम यही है, अब नौकर की तो नखरा की, ये वाली बात ठीक आती है, फिट आती है सब पे। जो जो घर में काम करने वाली है मेरी तरह मिस्कीन सी हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, तो अपने काम है भाई, अब तो करने में क्या हर्ज है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखें जी मेरी शिमला जो है तैयार हो गई है, अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।